देखो मुख्यमंत्री नहीं मैं बनना, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता सिर्फ 4 घंटे वास्ते, और 4 घंटे वास्ते इंडिया अमीर करके मैं अपने घर आना चाहना। ये 5 साल वास्ते कुछ नहीं कर सके, सिर्फ मैं 4 घंटे वास्ते इंडिया इन्ना क अमीर कर दूंगा कि आने वाला देश तुहानू कहूगा भी वाकई यार कोई बंदा काम चला के गया तो कुछ कर दूंगा। जरा करन औजला गीतों की पिस्तौला सिद्धू मूसेवाला तोप है, तो नीडू शटना वाला गाने की फैक्ट्री इंडस्ट्री है बहुत वड्डी, इहनू हिलाउणा तो बहुत मुश्किल आ। आनंदपुर साहब दे मत्था टेक के लै लिया गुरु तो आशीर्वाद वा, मैं हुण मैं सोचदा मैं वोटां जित के जाऊँगा, इतों मेरा दिल का विश्वास वा हर एक बंदा मैनू वोटां पा के जिता देगा। देखिए फिर आनंदपुर धरती उत्ते नीडू शटना वाला भी आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, मैं अंकिता चोपड़ा। अगर 4 घंटों के लिए उसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश को अमीर बनाकर अपने घर वापस आ जाएगा। यह बात अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पंजाबी गीतों के लेखक नीडू शटरावाला ने आज खालसे की जन्मभूमि श्री आनंदपुर साहिब में स्थित तख्त श्री केसगढ़ साहिब में नतमस्तक होने के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उन्होंने NRI आजाद पार्टी का गठन किया है, जिसके प्रत्याशियों की घोषणा आने वाले कुछ दिनों में कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति 2022 के विधानसभा चुनाव आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ना चाहता है वह मुझसे संपर्क करे, उन्हें पार्टी की ओर से टिकट दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह पटियाला से कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कैप्टन के इस्तीफे के उपरांत जलंधर से चुनाव लड़ेगा। पंजाबी गीतों के बारे में उन्होंने कहा कि करण औजला गीतों की पिस्तौल, गायक सिद्धू मूसेवाला गीतों की तोप, वह खुद गीतों की बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसे हिलाना बहुत मुश्किल है। सो अज आपां मत्था टेकना जी श्री आनंदपुर साहिब धरती उत्ते, ते मत्था टेक के गुरु साहब को आशीर्वाद लेना है जी कि ताकि जिहड़ी साडी आने वाली पार्टी आपां जिहड़ी बना रहे हैं NRI आज़ाद पार्टी, तो उहदे विच साडे 117 सीटां इहनां तों, तो साढ़े 217 बंदे बन चुके हैं, तो उन्हां दी पर्चियां पा के आपां लॉन्च करना किसी दिन भी साडी आ पार्टी है, जिहड़ा भी बंदा आज़ाद खड़ा होना चाहुंदा उह सानूं आ के मिले, असीं उहनूं टिकट देवांगे साडी पार्टी वल्लों लड़े NRI आज़ाद पार्टी। आप नीडू सर, मैं तो देखो मैं पटियाले लड़न की मैं इच्छुक सीगा कैप्टन साहब के सामने, पर कैप्टन साहब ने इस्तीफा देता, हुण चन्नी साहब आ गए तो चन्नी साहब सामने नहीं लड़ांगे, पर कि आप अपनी नॉर्थ एरिए अपना सिक्का दवावे जी, नॉर्थ एरिए अपनी किस्मत का फिर एक बार बटन दबावे कि देख रहे लोगों के दिल च की है। जलंधर नॉर्थ जी आनंदपुर साहब, हाँ मेरे घर के 9 मैंबर है आप हिसाब न एक एक कैंडिडेट सारे पासे, जिवें कि पिछली बार मैं अपने 9 के 9 ही बंदे, माता साड़ी पिछली बार जलालाबाद सी, वाइफ मुल्लापुर दाखा तो, मैं फगवाड़े तो सीगा, ते सिस्टर मेरी मकेरिया तो सी, आप 4-5 सीटां ते कब्जा करके बैठे भी बहुत कहते कि घर के मैंबर। हाँ जी हाँ जी, ये देखो जी मैनू ना शौक सीगा जी, मैं संतोख सिंह चौधरी दी फोटो कराने गया सी, उन्होंने मेरा फोन तोड़ दिता सीगा, इतों गल चली सी, तो मैं सोचा जी इन्हों हराने वास्ते मैं खड़ा हो जूँगा इलैक्शन दे विच। वो पिछे जी गल देखी होनी भगत सिंह नूं, उन्होंने की कहता भी अज इहना शहीदी दिवस दिहाड़ा, बल्कि जन्म दिहाड़ा सी, उन्होंने शहीदी दिवस देता, शहीदी जन्म दिवस देता, पता नहीं लगता इन्हों की गल, इन अपने आप नहीं पता लगता इन्होंने किसने देश सभा चलाना। तो जे आप गल करिए तो अपना एक एजेंडा सीगा भी मैनू एक, मैं पोस्टर लाँदा ही कंध से, एक बंदा पोस्टर वो ही पाड़ दिंदा सीगा, तो मैं रात को जाकर राखी की, मैं कहा पोस्टर तू क्यों पाड़ता, उसकी वीडियो बनाई, तो मैं कहा मैं तेरे ते कार्रवाई करूँगा, वो कहता जे तेरे घर दी वोटा पै जाए जिन्ने पैसे लगे तेरे पैसे मैं वापस करूँगा, तो मैं अपने घर दिनों माता चिंतपुर्णी कसम खुवाई भी तुम मैंने वोटा पाओ, तो 9 वोटा मैं एक बार पवाईया, सवेरे 7 बजे तो पहला मैं खड़ा हो गया। अज मैं गल याद है, वह मिलटरी वाले भाजी मैं क्या जे फौजी भाजी से, भाजी गेट खोल दो मैं 9 वोटा मेरे घर दी पवा के मैं चल जाना, वो कहता भी नहीं टाइम 7 बजूगे पूरे, तो मैं फिर ही खोलना, मैं 9 वोटा पूरी पाइया, उस बंद ने मैं क्या मैं वोटा पवाती जी मैंने पैसे दे दो, वो कहता लिस्ट लियाओ, मैं होर किसी पास नहीं गया, सिर्फ नॉर्थ एरिए एक लिस्ट लैन गया सीगा भी नॉर्थ एरिए मैंने 9 वोटा मेरी पाइया, वो मैंने लिस्ट दे दो, तो मैं जब लैन गया तो उन्होंने फिर कंप्यूटर से मारिया तो देखा जी कहते वोटा 5 पाइया, तो मैं फिर उस जगह तो कहता भी EVM मशीन घोटाला वा जी, तो मैं फिर उदो रो पाया भावुक होकर,
तो मैनू नहीं पता ही मेरे इदा मतलब इदा वीडियो वायरल हो जाएगी। मैंने देखो जी नैट से रिसर्च करो, जापान जापान अपने बैली पेपर च वोटा पवा रहा सानू ईवीएम मशीन दे रहा, नैट से रिसर्च करो। और जे मान लो हिंदुस्तान तो बाहर जाइए बैलेट पेपर ने वोटा पै रही साढ़े उ बटन चल रहे। सो क्यों चल रहा इस बारे CVI CID आर्मी मिलिट्री कमांड सर किसी कोई बड़ी एजेंसियां टैलेंट एजेंसियां किसी ने कोई खोज नहीं की। तो जो हम आप कही साड़ी कुत्ती चोरों ना मिल गई है तो वो हो सकता जी अच्छा, नहीं अच्छा है ही नहीं उन्होंने कहो जी सेंटर में जाकर देखो जिते 500 मुंडा 200 मुंडा दाखिल है तो भी उन्होंने कहता भी ये सेंटर बंद कर दो। ये क्यों किया गया एक किस लीडर की चाल है किहड़ा लीडर करा रहा और हाई कोर्ट के भी रिट पै चुकी है इस खुलासे की गल हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने मैंने कमेंट किए यार ये क्यों हो रहा इदा असी अपने मुंडे को नशा छुड़ाना चाहते हैं तो सरकार को की तकलीफ है। सो सरकार जी तकलीफ है वो आप दूर करनी है। तो बाकी है कि जो जज साहब रब ने और जजों नाल आप भी वकील भी साढ़े रब ने तो आप हमेशा गल मनी है। सो नशे बारे साडा एक जिहड़ा एजेंडा वा साडी फिल्म भी आ रही है नशे का तस्कर वो फिल्म देखियो। तो हुण साडी फिल्म जी दमी जूना मोड़ आई है तो वह भी है कि किसान फिल्म आई है तो नीटू जट फिल्म और गाने भी आ रहे और उन्होंने काम करने तो बाद मैं मेरी असली लाइन राजनीति है मतलब इस लाइन के मैं पता नहीं किदा चल गया और गुरु साहब ने किदा भेजा या महामाई चिंतपुर्णी ने किदा कृपा की मैनू नहीं इस गल का पता पर मैनू जी मेरी लाइन है मेरी लाइन लोगों की सेवा करनी है। जे आप गल करिए चार पाँच जिहड़ियां पार्टियां हैगियां किसानी बिल जो पास होए कि उत्थे आम आदमी पार्टी ने साइन नहीं किए कि कांग्रेस ने किए कि BJP ने किए कि अकाली दल ने किए किस बंदे ने साइन नहीं किए आप किस बंदे दे कहीए भी अज आप करते चलो आम आदमी की गल करते भी आम आदमी का सानू भरोसा जी कि आम आदमी ने साइन नहीं किया उत्थे किसने किस पार्टी ने साइन नहीं किया। जे इन्हां एक बंदा भी उठता भी किसानों के नाल आपां गलबात करके मीटिंग रखे फिर आपां साइन करने क्योंकि हुण इस टाइम जो टिकटां बिक रही इस टाइम टिकटां लॉन्च नहीं हो रही जब भी टिकटां मिलनी किसी अमीर बंदे नूं करोड़पति बंदे नूं मिलनी तो जे मेरे वर्गे गरीब बंदे नूं कहो नहीं टिकट देनी इन्हां नूं ना टिकट देनी है तो ना जगह देनी है। सो सानू अपनी जगह लैण वास्ते आप हक लड़ने पैने जो डॉक्टर बाबा अंबेडकर साहब ने कहा असीं उन्हां दे मिशन ते चले हाँ जी तो साडे अंदर उम्मीद है जी सानू पता सानू अज नहीं तो कल अज सिद्धू मूसेवाला जिहड़ा करन औजला गीतां दी पिस्तौल आ सिद्धू मूसेवाला तोप आ ते नीटू छटना वाला गाणे दी फैक्ट्री इंडस्ट्री है बहुत वड्डी इहनू हिलाउणा ते बहुत मुश्किल आ। ते तुसीं इंडिया दे विच किसी भी चीज़ का नाम लै लो मैं तुहानू उत्ते गाणा करके देवां। अज वोटां दे संबंध अज आनंदपुर साहब आए हो वोटां दे संबंध च किहड़ा गीत बणाउंगे? आनंदपुर साहब दे विच मत्था टेक के लै लिया गुरु तों आशीर्वाद वा मैं हुण मैं सोचदा मैं वोटां जित के जाऊँगा इत्थों मेरा दिल का विश्वास वा हर एक बंदा मैनू वोटां पा के जिता देगा। देखिए फिर आनंदपुर धरती उत्ते नीटू शटर वाला भी आ जाएगा नीटू शटर वाला भी आ जाएगा नीटू शटर वाला गल करता है कि मैं जनता। देखो जी सब तो पहले यह किसानी मुद्दा कि जिहड़ा मोदी ने गंद पाया इत्थे इन्ने रोज़ किसान मर रहे हैं उहदे बारे कोई टॉपिक नहीं कर रहा कोई गल नहीं कर रहा और साडी पार्टी जिहड़ी किसानां नाल चलेगी जे किसान कहोगे साडे देश का प्रधानमंत्री किसान होए मुख्यमंत्री किसान होए सानू होर कुछ नहीं चाहिए कि देश में जद तक कोई काम वधिया नहीं हो रहा कोई उन्होंने अगे ले जाने वास्ते कोई उपराला नवा करेगा। और एक मैं एक सरकार तो होर बेनती करना चाहना जिहड़े जलंधर शहर के पंजाब विच इंडिया के नशा केंद्र मुक्त है ये वध तो वध बनाए जाए लोगों को नशा जरा रोकया जा रहा भी नशा जरा बंद हो रहे थे सेंटर च मुंडे बैठे है नशा छड़ रहे हैं तो सरकार ने उन्होंने कहता भी तुम नशा सेंटर तुम बंद कर दो। सो मैं उन्होंने नाल हाँ जे मैं कल प्रधानमंत्री 4 घंटे वास्ते बंदा मैं पूरे इंडिया का नक्शा बल दूंगा 4 घंटे पूरा इंडिया अमीर कर दूंगा मेरे को इदा के तरीके है। नहीं जी जे सेंटर खुले है जेडे सेंटर खुले आ उन्होंने जो सर्टिफिकेट जे बंदे सेंटर खोलेंगे उन्होंने सरकार वालों सर्टिफिकेट फ्री देने चाहिए है भी कोई पैसा नहीं लेता भी नशा केंद्र वह तो वो खोलो तो जवानों के नौजवानों के नशे छड़ाओ कि हम मोटरसाइकिल चोरी हो रहा कि चैनी चोरी पुलिस कोई शक्तिमान तो है नहीं कि जो इदा गोल गोल घूम गए पुलिस वाले जाकर फड़ लेंगे ये नशे को कंट्रोल करेंगे तो ही अगे और जोड़ा इन्हों रोकना चाहता वा कि जो सेंटर बंद करना चाहता कोई भी बंदा हो मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्री मुंत्री हो सकते कोई भी कि वह कहें साडा नशा नहीं बिकता तो वह भी एक चक्कर के होने भी ये सेंटर बंद हो जाए मैंने पता लगा भी सेंटर बंद हो जा रहे फिर मैं सारे पास न्यूज़ दिती है तो वो मेरी न्यूज़ काफ़ी चलती पी है तो मैं हर जगह यही गल कहूँगा कि अपने इंडिया नशे तो बचाओ
तो वधिया तरीके अपने देश में चलाओ तो साड़ी जिहड़ी पार्टी है देखो मुख्यमंत्री नहीं मैं बनना मैं प्रधानमंत्री बनना चाहना सिर्फ 4 घंटे वास्ते और 4 घंटे वास्ते इंडिया अमीर करके मैं अपने घर आना चाहना ये 5 साल वास्ते कुछ नहीं कर सके सिर्फ मैं 4 घंटे वास्ते इंडिया इन्ना क अमीर कर दूंगा कि आने वाला देश तुहानू कहूगा भी वाकई यार कोई बंदा काम चला के गया तो कुछ करके गया। हाँ जी और तैयारी कर रहे हैं जी ये जितने तो बाद हिम्मत नहीं हारा अगे अगे लड़ी जावे जब तक साडे रितिक धारीवाल जी तो साढ़े जिहड़े रवि भाजी है उत्तराखंड तो वह भी साढ़े नाल उन्होंने उत्तराखंड तो भी इलैक्शन लड़ा अगली बार तो नहीं वोटा पाइया ऐतकी जरूर वोटा पैणगे ये गरंटी है जी ये तो भावें लिख के ला लो हूँ भावें कि जिते मर्जी खड़ी हो जाए जिहड़ी मर्जी नुक्कर दे दिओ असीं जित्ते पए हां हारनगे इन्हां दे चांस है बहुत क्योंकि असीं बिल तो सैन किए ही नहीं अभी तो किसानों के नाल अज किसान कहन भी साढ़े हक च 3 बिल रद्द हो गए तुसीं नहीं लड़ने इलैक्शन आपां नहीं लड़ा आपां डंडी डोला चक के फिर वापस किसान तो अपना अलग तो लड़न नहीं किसान देखो किसानों नूं अज एक बच्चा छोटा जिहा मुंडा पिछले 14 साल का उसकी मौत हो गई वो लोगों ने दस्सिया भी कुड़ी का कसूर आ सारे ने औरत का कसूर कढ़िया किसी ने यह गल किया भी किसी के घर ला लो जिहड़े बंदे ने मेरे वालों हाँ उन्होंने वालों नहीं हैगी उन्होंने वालों ना ही है भगवंत मान जी ठीक है जी नवजोत सिंह सिद्धू जी तो कैप्टन साहब जी तो चौथा मैं आ गया ना जी बंदे 4 ही होंगे देखो पर्ची पावे जिहड़ा सीएम बनूगा बन जाए देखो हजे तक तो हजे तक तो तिना च कोई नहीं गा तिना च मैं ही हाँ हाँ अज जो मर्जी अच्छी नहीं मैं तो अपनी न्यूज़ में कहूँगा जी पूरे लिस्ट बना के तुहाडे सामने जिदन मेरा बायोडाटा पूरे फैम पूरे बंदे करके हूँ मैं इतने मत्था टेकना सीगा सो मैं अपनी पार्टी बारे दस दस रहा भी तुहानू मैं साडी पार्टी आ रही है बहुत छेती लॉन्च हो रही है जी तो बहुत वड्डे पद्धति चलेगी। श्री आनंदपुर साहिब से ब्यूरो रिपोर्ट।